हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। आप सभी का मेरे एक अनदर ब्लॉग में स्वागत है। सो आज हम अगेन जा रहे हैं जंगल सफारी, क्योंकि लास्ट टाइम जब गई थी तो अंशिका नहीं आई थी, कुंज आए हुए थे, तो अभी दोनों जन हैं तो बहुत मस्ती करेंगे। एंड सच पूछिए तो हमारा पूरा पैसा भी वसूल हो गया। वो कैसे, वो आप आगे वीडियो में बने रहिए तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए सफारी, एंड यहाँ पर ये देखिए सामने में एक बहुत बड़ा शेर बना हुआ था, जो देख कर हम लोग को लग रहा था कि बस इसको ही देख लिए तो ख़त्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप आगे देखते जाओ। पहले हम लोग टिकट लिए, फिर यहाँ पर आई लव बंगाल सवारी के बाद बहुत सारा फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी ज़रूर जाके मुझे फॉलो करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजप्रिया29NOV। तो यहाँ पर देख सकते मैं बहुत प्यारा सा कॉट सेट पहनी हूँ एंड बहुत ही कम्फर्टेबल, और गर्मी इतना हो रखा था कि क्या ही बताऊँ। तो हम लोगों का बस में खुलने में भी थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ खाने आ गए। सबसे पहले अंशिका आइसक्रीम ली, फिर इन्होंने चिकन का कुछ लिया, एंड यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी दोनों जन पी रहे हैं। फिर अंशिका को अच्छा लगा तो वो फिर से ली, एंड यहाँ पर ये बाबू को टेस्ट करवा रहे हैं, बहुत यम्मी था। उसके बाद मैं यहाँ पे मोमोज लेकर बैठ गए, फिर उतने में हमारा टाइम हो गया, हम लोग आ गए बस के पास। और अभी चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। पूरा ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं खींचूंगी, बहुत शॉर्टकट में दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो आज का वेदर इतना अच्छा हो रखा था कि जानवर एकदम ऑन रोड घूम रहे थे। ये देखो आप, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब यहीं पर हम लोगों का पूरा पैसा वसूल हो गया। हम लोग यहाँ पे इतना देर रुके थे ना, ये हम लोगों के बस के चारों तरफ घूम रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एंड ये देखिए, एकदम सामने में आकर देख रहा था, और ड्राइवर भैया बता रहे थे कि बाहर में जो दो बाघ घूम रहा है ना, वो अंदर में जो एक बंद था ना, उसके ही दो बेटा है, एक जो दिख रहा है और एक कहीं पर होगा। एंड यहाँ पर हम लोग चल गए कुछ, सामने से पूरा जानवर इंजॉय कर रहा है, देख रहा है, उसको बहुत पसंद है। फिर आए हम लोग लियोपर्ड देखने के लिए, जो कि हापी ले रहा था, और ये भी ना एकदम अलसिया के जैसा लेटा था, और इसका दो बच्चा था जो कि अंदर बंद था, क्योंकि दोनों छोटा छोटा था, और ये दोनों मम्मी पापा कहीं का एकदम ऐसे ही लेथरा के जैसे बैठे थे। और यहाँ अंशिका का बच्चा नहीं है। सबसे अच्छा हालू, क्योंकि ये मेरे सामने हालू ना, चुना 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 मालू ना, चुना 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 ना। तो हुआ यूं कि जैसे आदमी लोग का टाइम हो जाता है तो अपने घर चले जाते हैं ना, वैसे ही जानवर का था। हम लोग लेट से गए थे और 6 बजने का मतलब थोड़ा बहुत बाकी था, और इन लोगों का टाइम हो गया था घर जाने का। तो वही ड्राइवर भैया बता रहे थे कि इन लोगों का टाइम हो गया है, तो वही दरवाज़ा खुला रहा है कि अब हम लोगों को भी अंदर आने दो। तो ये चीज़ देखकर, मतलब पहली बार मैं देखी तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। और बहुत सारा पीकॉक देखने को मिला, जो कि पीकॉक में ना पंख आना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा पार्क में आए। इस एरिया में अंशिका स्लाइडिंग कर रही है, इसको स्लाइडिंग पर जाना बहुत पसंद है। फिर उतने में टाइम ओवर हो गया था, भाई उन लोगों ने बोला कि खाली करना होगा, तो यहाँ से निकले और हम लोग डायरेक्ट पहुँचे सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर में बहुत सारा कुछ झूला है, यहाँ पर ये झूल सकती है। तो आज का जो ब्लॉग है स्पेशल बच्चे लोगों के लिए, कि देखकर बहुत मज़ा आएगा। बहुत कुछ पे बैठती, जैसे ये एक नागर तोला के जैसा होता है, जो देखने में बड़ा क्यूट है, येल्लो ब्लू कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर ये लोग इसे जंपिंग में जाते हैं, और दोनों जन इतना इस पर इंजॉय करता है, इससे ना उतरने का नाम ही नहीं लेता है लोग। कितना टाइम्स तक ये लोग इस पर बैठे थे, और हम लोग चुपचाप बस सामने में बैठ कर ये लोगों का मस्ती देख रहे थे दोनों का। ये देखो आप, दोनों ऐसे इतना ज़्यादा जंपिंग में इंजॉय कर रहा था लोग ना, कि देखिए कुंज कूदेगा तो ये ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाएगी। तो यहाँ पर इसका हो गया, फिर गई गाड़ी में, और कुछ इस तरीके से था। कुंज के लिए तो अब गाड़ी का नहीं हो, छोटा में कुंज बहुत गाड़ी में घुमाया, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो उसके लिए वैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर अंशिका पूरा गाड़ी में इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोगों को भूख लग गया, तो हम लोग आ गए KFC में, और यहाँ पर थोड़ा बदमाशी हुआ, क्योंकि हम लोग सोचे एक दो फोटो क्लिक करें, बट कुंज कोई क्लिक ही करने नहीं दे रहा था। तो कुंज के साथ क्लिक करना है तो अंशिका आ जा रही थी, अंशिका के साथ क्लिक करना है तो कुंज आ जा रहा था। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फोटो ऐसे ही क्लिक किया, एंड उतने में मौसा जी इतना कुछ लेकर आ गए। फिर हम लोगों ने इसको एंजॉय किया, खाए थोड़ा देर टाइम लगा कर, उसके बाद फिर बाहर निकले। और अंशिका KFC वगैरह नहीं खाती, तो उसके लिए स्पेशल मोमोज लिए, क्योंकि इसको मोमोज बहुत पसंद है। फिर मोमोज खाकर हम लोग आए ये
प्ले टूरिस्ट कुछ है यहाँ पर ना, थोड़ा मतलब बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर आप सिटी सेंटर या कोई मॉल वगैरह जाते हो ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे का नाम लिखना होता है और अपना नंबर देना होता है, उसके बाद आप यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना देर के लिए आप छोड़ोगे छोड़ सकते हो। इन लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं दीदी लोग, और उसके बाद आप अपना शॉपिंग करो, घूमो, जो करना है करो। बट फिर उसके हम लोग इसको लेकर ही निकले और ऊपर आए एक बुक स्टोर में, जहाँ पर इसने कुछ कुछ पसंद किया और कुंज ये बुक लिया है। बोल रहा है मैं पढ़ूंगा, जो कि आज तक पढ़ नहीं रहा है, बट फिर भी ये राम इच्छुक कुछ ऐसा बुक का था राम भगवान के नाम पर, तो उसने लिया। फिर अंशिका की बहुत सारा चॉकलेट का शॉपिंग देख सकते हैं, एकदम बकेट ही उठा ली है और सब लेना है इसको, जो जो चाहिए। तो बहुत सारा चॉकलेट का शॉपिंग की और ऐसे ही करके हम लोगों का पूरा रात चला गया। फिर यहाँ से निकले और हम लोग चल दिए घर। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।